नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं राशन कार्ड के बारे में। अगर आप लोग के पास भी यहाँ पर राशन कार्ड है, अभी तक उसमें आपने आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो किस प्रकार से आप अपने राशन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। अगर आपको लिंक करना है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखना होगा। दोस्तों, मेरा नाम है दिलखुश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल जो बेल आइकन है उसे यहाँ पर ऑल प्रेस कर दे, ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से आप अपने राशन कार्ड में अपना यहाँ पर आधार कार्ड को जोड़िएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राशन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस पोर्टल पे आ जाना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके इस पोर्टल पे आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल पे आ जाइएगा। आने के बाद आपको यहाँ पर एक राशन कार्ड का सेक्शन शो करता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको शो करेगा व्यू राशन कार्ड डैशबोर्ड, उसके नीचे शो करेगा राशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेट पोर्टल, आपको उस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तब आपके सामने राशन कार्ड का बेनिफिशरी अंडर NFS यहाँ पर ऑल स्टेट का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अपना स्टेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे आप स्टेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है इस तरह से ओके का, तो आपको ओके वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस ओपन हो जाता है। तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस इस तरह से ओपन हो जाता है। अब आपको आ जाना है ऑनलाइन सेवा वाले पे, और यहाँ पर सेकंड में शो करेगा ऑनलाइन आवेदन, इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर शो करेगा यहाँ पर कार्डधारी लॉग इन, आपको क्या करना है यहाँ पर कार्डधारी यहाँ पर कार्ड होल्डर लॉग इन, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखते हैं UID राशन कार्ड नंबर के माध्यम से लॉग इन करने पर सुविधा, यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप आधार कार्ड से लॉग इन करते हैं तो कौन सा सुविधा दिया जाएगा, अगर आप यहाँ पर राशन नंबर से लॉग इन करते हैं तो कौन सा सुविधा दिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं तो आप यहाँ पर राशन कार्ड से लॉग इन करते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखते हैं आधार नंबर में सुधार कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो अपना लिंक कर सकते हैं, अगर आपका आधार नंबर गलत दिया गया तो उसे आप सुधार कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको राशन कार्ड से लॉग इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉग इन वाले पे क्लिक कर देते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं अब आपके सामने पर देख सकते हैं पूछा जा रहा है राशन नंबर, तो अब आपको अपना राशन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर राशन नंबर डाल दीजिएगा, फिर यहाँ पर कार्ड टाइप पे क्लिक करके यहाँ पर ग्रीन राशन कार्ड PHHO है, यहाँ पर आपको क्या करना है जो भी आपका राशन कार्ड है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पर देखते हैं जो राशन कार्ड का होल्डर होता है, जो मेन हेड है, उसका आपको आधार नंबर डाल देना है। फिर ये कैप्चा डाल के आपको लॉग इन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम लॉग इन वाले पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लॉग इन कर चुके हैं, यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ पर हम लॉग इन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। पर देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, पर देख सकते हैं परिवार के सदस्य को जोड़ सकते हैं, डीलर बदल सकते हैं, मोबाइल नंबर में सुधार कर सकते हैं, मेंबर ट्रांसफर कर सकते हैं। और पर आधार नंबर में सुधार करना है तो हमको क्या करना है, अपना आधार कार्ड में पर सुधार करना है तो आपको क्या करना है, आधार नंबर में अपना आधार यहाँ पर राशन कार्ड में आधार नंबर को जोड़ना है। तो हम इसी वाले पे क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आप सामने इस तरह से पर राशन कार्ड का डिटेल ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट में यहाँ पर फैमिली मेंबर का ऑप्शन आता है, तो आपको क्या करना है इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी नाम राशन कार्ड में होगा सारा नाम शो करेगा। अब जिसके भी यहाँ पर नाम में यहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं राशन कार्ड में, जिसके भी नाम पर आधार कार्ड जोड़ना चाहते हैं उसका नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर पहले क्या करना है, पर आपको सेलेक्ट फैमिली मेंबर का नाम आपको सेलेक्ट करना है, आपको अभी यहाँ पर उसका आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पर फैमिली मेंबर का नाम सेलेक्ट करना है। फिर उसका आधार नंबर डालकर आपको वेरीफाई करना होगा। चलिए यहाँ पर हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम मेंबर का नाम और यहाँ पर आधार नंबर डाल के वेरीफाई करते हैं, फिर आपके सामने आ जाता है पर सेलेक्ट ए मेंबर टू चेंज आधार नंबर। अब आपको क्या करना है, पर सेलेक्ट मेंबर पे क्लिक की जाते हैं, यहाँ पर मेंबर का नाम शो करें। अब जिसका भी यहाँ पर आधार जोड़ना चाहते हैं उसका पहले यहाँ से आप नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसका यहाँ पर आधार नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, आधार नंबर के सेक्शन में आपको आधार नंबर फिलअप करना है। फिर आपको यहाँ पर अपलोड आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ पर मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं। तो आपको फिर से यहाँ पर होम पेज पे आइएगा, तो यहाँ पर एक डाउनलोड का भी सेक्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं सभी फॉर्म आ जाते हैं, पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नॉम चेंज में, और यहाँ पर जेंडर चेंज में, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा है। तो आपको क्या करना है, पर ये डाउनलोड करना है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म UID चेंज, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह सा एक फॉर्म ओपन हो जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको सबसे पहले पर मैं कार्ड धारक का नाम, तो यहाँ पर कार्ड धारक का नाम डालिएगा। फिर यहाँ पर राशन कार्ड संख्या डालिएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं पर सदस्य का नाम, आप जिसके भी यहाँ पर आप आधार कार्ड में यहाँ पर जिसके भी नाम में आधार कार्ड जोड़े उसका आपको नाम यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर आपको जो कार्डधारी का मेन होल्डर है उसका आपको यहाँ पर नाम डालना है, जिसका आप आधार नंबर जोड़ रहे हैं उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है। फिर उसका आधार संख्या डालना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं उसका हस्ताक्षर, यहाँ पर स्थान,
फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिनांक आपको डाल देना है, फिर उसका नाम यहाँ पर लिखवा लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है, और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए कंसेंट फॉर्म। फिर आपको सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सक्सेसफुली सेंड रिक्वेस्ट कर चला जाता है। फिर आपका यहाँ पर 1 हफ्ता के अंदर आपका आधार कार्ड यहाँ पर आपके जो राशन कार्ड में उसमें जोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप अपने यहाँ पर राशन कार्ड में आधार कार्ड को जोड़ सकते हो। अगर आपको यहाँ पर राशन कार्ड में नाम जोड़ना है तो उसका वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि राशन कार्ड में किस प्रकार से नाम जोड़ा जाता है। अगर आप डिलीट भी करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके दो यहाँ पर दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, राशन कार्ड में यहाँ पर आधार कार्ड को जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।